हाय बच्चों, मैं विकास श्रीवास्तव। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 5th का मैथ पढ़ेंगे, एक्सरसाइज फर्स्ट बी। इसके पहले के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज फर्स्ट ए के सारे टॉपिक्स, सारे क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। आइए, फर्स्ट बी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग ये देखते हैं। राइट द फॉलोइंग नंबर्स, नीचे दिए गए संख्याओं को लिखिए इन द प्लेस वैल्यू चार्ट, स्थानीय मान चार्ट में। तालिका जो होता है, स्थानीय मान तालिका, उसमें सारे दिए गए नंबर्स को लिखना है। तो प्लेस वैल्यू चार्ट क्या होता है पहले हम लोग ये जाने। प्लेस वैल्यू चार्ट टू टाइप्स का होता है, एक इंडियन सिस्टम में प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखा जाता है और एक इंटरनेशनल सिस्टम से प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखा जाता है। बट यहाँ ना ही इंडियन सिस्टम की बात हुई है, ना ही इंटरनेशनल। तो जब ऐसा टॉपिक आ जाए आपके पास कि किसी सिस्टम की बात ना करें, तो आप इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में दिए गए नंबर्स को लिख लेंगे। इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में हम किस तरह दिए गए नंबर्स को लिखते हैं प्लेस वैल्यू चार्ट में, आज के इस वीडियो में हम लोग यही सीखेंगे, यही पढ़ेंगे। पहला पार्ट ले लेते हैं इसका, फर्स्ट वाला पार्ट। वंस 10 संडे, 1000 10000, लैक 10 लैक, करोड़ 85 करोड़, 26 लैक्स, 47128। अभी जो मैंने पढ़ा इनको लैक करोड़ थाउजेंड करके, यही होता है आपका प्लेस वैल्यू चार्ट। सबसे पहले आप करेंगे क्या, प्लेस वैल्यू चार्ट को बना लेंगे और उसी में सारे पार्ट को लिखते चले जाएंगे। तो प्लेस वैल्यू चार्ट होता क्या है इसको जाने। नंबर्स को जो हम पढ़ते हैं, जो इनको काउंटिंग करते हैं जिस वर्ड से, वही प्लेस वैल्यू चार्ट में भी पाया जाता है। वंस, पहले हमने कहाँ से पढ़ना शुरू किया, वंस। तो प्लेस वैल्यू चार्ट में पहला होता है वंस। वंस को पूरा ना लिख के ओ लिख देते हैं। दूसरा टेंस, टेंस को पूरा ना लिख कर टी लिख देते हैं। आपके पास पूरा स्पेस है तो पूरा लिखिए वंस टेंस, लेकिन वंस को ओ से हम इंडिकेट करते हैं, टेंस को टी से, हंड्रेड को हम एस से इंडिकेट करते हैं, वंस टेंस हंड्रेड। इसके बाद नंबर आता है वंस टेंस हंड्रेड के बाद थाउजेंड टी एच, 10000 टी टी एच, टी से 10 हो गया और टी एच से 1000। उसके बाद लैक, फिर 10 लैक, एल लैक को एल से इंडिकेट करते हैं, 10 लैक को टी एल। आफ्टर दैट करोड़ सी और 10 करोड़ टी सी। ये आप एक बार बना लेंगे आपकी बुक में या नोट कॉपी में या रफ कॉपी में, इस तरह से लाइन होता है उसमें वैसे लिख देते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, इसको अलग अलग पार्ट में आप ऐसे डिवाइड कर देंगे। इस तरह से डिवाइड करने के बाद हमारा अलग अलग कॉलम बन के तैयार हो जाएगा, जो कि वंस का, टेंस का, हंड्रेड का, थाउजेंड का, 10000 का, लैक का, 10 लैक का, करोड़ का, 10 करोड़ का बन के रेडी हो जाएगा। अब सपोज दैट हम, यही है आपका प्लेस वैल्यू चार्ट। इसी चार्ट को, इसी तालिका को हम लोग प्लेस वैल्यू चार्ट कहते हैं, ठीक है। अब इसको जितने लाइन से नीचे मन करे, 1 2 3 4 5 6, 6 पार्ट है, 6 लाइन तक आप इसको आराम से ऐसे मेंटेन कर लेंगे, 1 2, आप लोग ऐसे और इसको नीचे तक मेंटेन कर लेंगे। 6 लाइन लिखने हैं तो 6 लाइन। लेकिन अब इस प्लेस वैल्यू चार्ट में हम नंबर को लिखेंगे कैसे, इसके लिए आइए पहले पार्ट को हम लोग पढ़ते हैं। पहला पार्ट है आपका ये है, यहाँ से इसको हमने यहाँ लिख लिया मैंने पार्ट को, यहाँ से हम इसको शुरू करते हैं। तो एट, एट किस प्लेस पर है, एट वंस के प्लेस पर है, तो जाके वंस के डाउन हम लोग एट लिख देंगे। पार्ट नंबर ए इसके सामने, टेंस के प्लेस पर टू लिख देंगे, हंड्रेड के प्लेस पर वन लिख देंगे, थाउजेंड है आपका सेवन, तो थाउजेंड के डाउन सेवन, 10000 फोर, तो 10000 के डाउन फोर लिख देंगे, फिर लैक के डाउन 6 तो 6, 10 लैक की डिजिट 2 है तो इसके नीचे हम 2 लिख देंगे, करोड़ के डाउन में 5 लिख देंगे, लास्ट जो 10 करोड़ है वो 8 है तो 8। कितना आसान है प्लेस वैल्यू चार्ट में नंबर्स को सेट करना या नंबर्स को लिखना। तो इस तरह से आप ए वाला पार्ट इस कॉलम में कर लेंगे, फिर बी वाला पार्ट अगले रो में, सी वाला पार्ट, आसानी से आप करते चले जाएंगे। आपके सिलेबस में, क्लास 5th के सिलेबस में जो भी नंबर हैं वो वंस टेंस हंड्रेड, थाउजेंड टेन थाउजेंड, लैक 10 लैक, करोड़ 10 करोड़ तक के हैं।
इसीलिए हमने केवल 10 करोड़ तक का प्लेस वैल्यू चार्ट भी बनाया। आसानी से आप इसको इसी में सेट कर लेंगे। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं।